दोस्तों, क्या आप लोग डेली हंट ऐप का यूज़ करते हो? अगर आप लोग डेली हंट ऐप का यूज़ करते हो तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डेली हंट ऐप का लैंग्वेज आप लोग कैसे चेंज करोगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूँ कि डेली हंट ऐप पर बहुत सारे लैंग्वेज आप लोगों को मिल जाते हैं, तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग डेली हंट ऐप का यूज़ करना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप लोग बहुत ही आसानी तरीक़ा से कर सकते हो। तो कैसे आप लोग लैंग्वेज चेंज करोगे, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीक़ा से बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को जानना है, सीखना होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिएगा, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग डेली हंट ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई देगा। उसके बाद ऊपर में आप लोग का प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और ऊपर में आप लोग सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दो तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा न्यूज़ लैंग्वेज और एक मिल जाएगा ऐप लैंग्वेज। तो अगर आप लोग न्यूज़ लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो उसे भी चेंज कर सकते हो, और ऐप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो उसे भी चेंज कर सकते हो। तो दोनों चेंज करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारे लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हिंदी, नेपाली, भोजपुरी, इंग्लिश, ऐसे करके यहाँ पर काफ़ी सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे। तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग न्यूज़ पढ़ना चाहते हो, अगर आप लोग बिहारी हो तो यहाँ पे हिंदी कर सकते हो या भोजपुरी कर सकते हो, अगर आप लोग नेपाली हो तो यहाँ पे नेपाली कर सकते हो। यानी यहाँ पे आप लोग मल्टीपल लैंग्वेज एक बार में सेलेक्ट कर सकते हो और एक लैंग्वेज भी आप लोग एक बार में सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तभी मैं केवल हिंदी कर दिया और हिंदी करने के बाद यहाँ पर मैं सेव कर दिया, तो जो भी न्यूज़ होंगे वो हिंदी में यहाँ पर मिलेंगे। और नीचे में आप लोग ऐप लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप लोग काफ़ी सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, तमिल, मराठी, ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे। तो इनमें से जो भी लैंग्वेज है, इन सारे लैंग्वेज में से आप लोग जो भी लैंग्वेज में आप लोग ऐप का यूज़ करना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप लोग कर सकते हो। तो अभी मैं इसे हिंदी में करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं हिंदी वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो डेली हंट ऐप है वो पूरा हिंदी में हो चुका है। तो ऐसे करके आप लोग ऐप का लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, न्यूज़ का भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो और ऐप का भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो दोनों चेंज कैसे किया जाता है मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दिया। तो अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग डेली हंट ऐप का यूज़ करते हो और उस पर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका भाई हेल्प करेगा।